दबंग परिवार ने की मारपीट, छोटे नाबालिग बच्चों के साथ डंडा सरिया का इस्तेमाल कर बहाया खून। बच्चों सहित उनकी माता का पुलिस चौकी बलखंडी नाका महिला थाना बांदा नगर कोतवाली बांदा में नहीं सुनी पीड़ितों की फरियाद, नहीं की कोई भी कार्रवाई। मामला जनपद बांदा के शहर कोतवाली अंतर्गत बलखंडी नाका पुलिस चौकी क्षेत्र के कटारा स्थित सिंह वाहिनी मंदिर के पीछे रहने वाली पुष्पा पत्नी सत्तू रेखवार के दबंग पड़ोसी मनोज पुत्र नत्थू कौशल्या, पत्नी गुड्डन प्रीति, पत्नी मनोज ने मिलकर पीड़िता पुष्पा एवं पुत्री नेहा और नाबालिग पुत्र को भी मारपीट कर किया लहूलुहान। घायल पूर्व में भी इन दबंगों ने की पीड़िता बच्चों के साथ मारपीट की वारदात। वारदात के दौरान मारपीट में अधिक चोटें सर में लगने के कारण बेहोश पीड़िता एवं पुष्पा को उसी हालत में पुलिस चौकी मलखंडी नाका में शिकायती पत्र में संज्ञान न लेकर सीधे चौकी से भगा दिया गया। दबंगों के द्वारा जान से मारने के प्रयास, धमकी देने की लिखित शिकायत नगर कोतवाली में देने पर कोतवाली बांदा से भी भगा दिया गया। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक बांदा को लिखित संज्ञान प्रार्थना पत्र देकर मुलजिमों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धाराओं से जेल भेजना ही न्याय हित में आवश्यक होगा। बांदा से नवल तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा? नेहा। किस मोहल्ले की रहने वाली है? कटरा। कोतवाली कौन सी लगती है? बड़खानी नाका चौकी है वो। हाँ। कोतवाली बांदा है। आज कहाँ आई हो? यहाँ एसपी साहब के पास आए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई है? हम खाना बना रहे थे, हमारे भाई ने मारा है, हम भाभी लोग आई हैं, सीधे घसीट के बाहर मुझको जुत्रा पकड़ के मेरी माँ को बहुत मारा है और खोपड़ी खोल दी है। क्या नाम है जिस भाई और भाभी ने तुमको मारा है? कौशल्या, प्रीति, मनोज, नत्थू और सुनील। चार लोगों ने तुम लोगों को मारा है। हाँ। ये कौन है तुम्हारे? ये हमारे घर के परिवार हैं। अच्छा। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर जब इन लोग तो ये किस बात पे मारपीट किस बात पे हुई है? छोटे भाई को मार रहा था तो मैंने कहा क्यों मार रहा है, इसने मुझे गाली गुप्ता दी है, मैंने भी इसको दे दी है। इसने बड़े भाई को फोन करके बुलवा के मार पिटवाया हम लोग को। किन चीजों से मारपीट की है तुम्हारे साथ? डंडे से, लाठी से बहुत मारा है। अच्छा, क्या मांग करती हो तुम आज एसपी साहब से? ये कहते हैं हम इनको अंदर करवा दीजिएगा, ये हर बार की दाल रोटी बना रखी है, इन्हें हर बार मारते हैं ये लोग इसी तरह। इस तरीके से पहले भी मारपीट? हाँ, की है। पहले भी मार खाए हैं पर हम लोग ने इस तरह नहीं किया है, अब हम लोग की हद हो गई, इस वजह से हम इधर आए हैं। वहाँ महिला थाना गई थी? महिला थाना गए थे तो क्या कहा वहाँ पे उन्होंने? वहाँ पे कहा है चौकी जाइए, आप चौकी जाइए, कोतवाली जाइए, वहाँ कहो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार नहीं दस दहिया दे तुम, इसीलिए आज एसपी साहब के यहाँ आई हो? इसलिए आए।